इंदौर के बड़े नामचीन स्कूल एमरल्ड हाइट में 3 साल की बच्ची से ड्राइवर द्वारा गंदी हरकत का मामला सामने आया है, जिसके बाद शहर के स्कूलों में बच्चियों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। इंदौर का हाई प्रोफाइल स्कूल एमरल्ड हाइट, जो न सिर्फ बेहतर शिक्षा के लिए पहचाना जाता है बल्कि ऊंची फीस के लिए भी जाना जाता है, लेकिन शहर के इस नामचीन स्कूल में नर्सरी की बच्ची से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। 3 साल की बच्ची से ड्राइवर द्वारा गंदी हरकत की घटना से सनसनी फैल गई। घटना सामने आने के बाद सभी पालकों की मीटिंग बुलाई गई है। कर्मचारी से पूछताछ सभी के सामने हो रही है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। मामले में पुलिस का कहना है कि घटना की खबर मिलने पर तुरंत पुलिस को स्कूल भेजा गया, लेकिन इस संबंध में अभी तक बच्ची के परिजनों की तरफ से कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। अगर शिकायत दर्ज होती है तो उचित कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आज सुबह सुबह मीडिया रिपोर्ट के माध्यम से और हमारे इंटेलिजेंस के हिसाब से जब हमको एक ऐसी खबर पता चली कि एमरल्ड स्कूल के अंदर एक बैड टच का संभवतः मामला हुआ है, तत्पश्चात हमने थाना प्रभारी राव को तत्काल स्कूल भेजा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि एग्जैक्टली मैटर क्या है। उसके पश्चात अभी तक हमारे थाने पे कोई भी परिजन या कोई भी पेरेंट्स थाने पे आए नहीं हैं जिनके द्वारा इस विषय में कोई भी शिकायत की गई हो। अगर इस विषय में कोई भी शिकायत किसी पेरेंट्स द्वारा की जाती है तो निश्चित तौर पर उसमें जो भी लीगल कठोर से कठोर कार्रवाई होगी वो पुलिस द्वारा की जाएगी। नहीं देखिए, अभी चूंकि ये बच्ची का मामला है, जब तक पेरेंट्स हमको एग्जैक्टली आके नहीं बताते तब तक हम इस विषय में कुछ कह नहीं सकते हैं। इसमें कुछ एक दो चीज़ नाम आ रहे हैं तो पुलिस भी अपने इनफॉर्मल तरीके से इसमें प्रयास पता लगाने का प्रयास कर रही है कि भाई इसमें अगर ऐसी वास्तव में कोई घटना घटित हुई है तो उसमें निश्चित तौर पर अपराध कायम होना चाहिए, ताकि जो भी आरोपी है उसको सख्त से सख्त सजा दी जा सके। स्कूल बस में बच्ची के साथ हुई छेड़छाड़ को लेकर पेरेंट्स टेंशन में हैं। हालांकि जानकारी के अनुसार मासूम बच्ची के साथ छेड़खानी की सूचना मिलते ही कई पेरेंट्स स्कूल पहुंचे हैं। स्कूल के अंदर चल रहे हंगामे और व्हाट्सएप ग्रुप की चैटिंग सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसके बाद स्कूलों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।